घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई महापुरुष अच्युत जाई फुल मालिकारे कौन कौन शिष्य मानंकु सबु कहिचंती बा आम मानंक भली अधमंकु किबळी भावरे ज्ञानर आलोक देखैचंती आउ तसहित कळीर आगत भविष्यतर कथा कहिचंती से कथा माने आलोचना करचु आ गोटिए पर गोटिए भक्त बंधु महापुरुष अच्युत जा जाई फुल मालिकारे कहिचंती आपण लेखि रखिबे ताहा गोटिए पर गोटिए सत्य होई चालिजे अच्युत वचन पाषाण नगार आ महापुरुष अच्युत 600 वर्ष तले लिखिथिले एभली समय आसीबा आ जो समय भितरे मनुष्यर स्वभाव परिवर्तन हे जीवो आ से स्वभावर परिवर्तन हेबा सहित मनुष्य निजे केवल चाहिबो मु भलरे बंचे आ काहाकु मु बंचिबा को न दिए हे सुधी सज्जन तारि उपरे महापुरुष अच्युत कौन कही जाई फुला मालिकारे मनुष्यर स्वभाव केमिति हबो देखंतु आउ ए पद को शुणी सारा परे आपण निहाति कहिबे मालिका जहाँ कही गोटे पर गोटे सत हो सत भी होउची आ महापुरुष कौन कहते कलिजुगर मनुष्यर स्वभाव केमिति हबो कले घर भंगा प्राणी हेबे घर भंगा प्राणी हेबे घर भंगा प्राणी हेबे घर भंगा प्राणी हेबे पर चर्चा करी दिन काटिबे लो जाई फूल से तो पर धन को हरिबे 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 बोलियो महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले घर भंगा प्राणी हेबे मनुष्यर स्वभाव अन्यर क्षति पहुँचेबा एमिति हेजिबा परिवर्तन स्वभावरे बदली जीव निजर चरित्र सबुबेले केवल परचर्चा आ महापुरुष से कथा कहते परचर्चा करी दिन काटिबे भागवत टुंगी रे बसिबे नाही तास खेल रे घंटा घंटा करी बसिबे परचर्चा हो दि घंटा तीन घंटा वयस्क लोक माने सब बसिबे टीवी सीरियल हो ताको घंटा घंटा करी देखिबे जो टीवी सीरियल को भलो पाउचो ताको दुख जणाओ प्रभु कहीं जनाऊ प्रभु कथा शुण दुख पड़े जा पाखे जा पहुँची जाओ आ प्रभु को निजर दुख जनाओ हे सुधी सज्जन महापुरुष से कथा कहते कल जी समय भगवान पाखे देवे ना ठाकुर घरे जमी ठाकुर प्रार्थना कले जो 15 मिनट 20 मिनट जमी किए पक्ष बाड़े पकाचे केमी शीघ्र धर कि अन्न्य कार्य परचर्चा कला बेल घंटा घंटा गोटे गोटे लोकंर कि कम न था से माने सब कम आग सारे आसी पहुँचे घर तो नानी जाचु से नुह ता झी परा अमक सागर पलि पुह समक सागर पलि अरे तोर कौन अच्छे से उठी पलाऊ भी ये लोक ये भल पाए पर कथा को शुणापी से कह नानी बस हल आउ कौन टे कह खबर कौन कह पर चर्चा केवल आ प्रभु कथा हे सुधी सज्जन गोटे मिनट भी फुर्सत बस थाओ आज आढ़ना भागवत आज आकर कथा शुणा को इच्छा ना हे सुधी सज्जन महापुरुष जहाँ लिखी गोटे पर गोटे सत्य है पर चर्चा कर दिन काटे आत पर धन हरवे मनीष जिते रोजगार करुले सब पर धन प्रति लोभ रोटे मगणा मिल जाता मनीष मगणा खिया पलट देखु आज जो समय है सब मत मगणा मिलता हे सुधी सज्जन संसार भितर लोक आज कलिजुगर यह व्यवस्था हो गला कई चाहूना आ बड़ लोक हाँपाई आस आम गरीब हवा प्रकृत जे पर धन खाली केमती मगणा मिलता सी आज धन दे दिता यह मनोवृत्ति हम हे सुधी सज्जन महापुरुष कहते जाई फुल मालिका भविष्य मालिकार अच्युत महापुरुष स्पष्ट प्रमाण दे कही कौन कहले महापुरुष
घर भंगा प्राणी सकले होइबे फंदा फिकरे मातिबे बौल लो फिकरे मातिबे पर तकिया को निज मुंड तले देबा को सेही लागिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहते घर भंगा प्राणी सकल होइबे फंदा फिकरे मातिबे विभिन्न प्रकार फंदा फिकर मिथ्या को आश्रय कर चलने विभिन्न प्रकार फंदा फिकर ए सुधि सज्जन कुटुंब पोषण जहाँ को कहते मिथ्या कहवा फंदा फिकर कर मातिबे आउ पर तकिया को निज मुंड तले देवा से लगे अर्थात पर घर केमती टे भोजन हो जाता कि पर घरे धन मिली जाता कि अति स्वार्थवादी हो जो मैंने चाहती सब मागणा खिया जहाँ को आम कौलु मिल जाता कि यहाँ मोर हो जाता कि से मैंने कौन करेंगे पर तकिया को मुंड तले महापुरुष जहाँ लिखी गोटे पर गोटे सत्य हूँ भक्त बंधु मालिकार कथा आ भितर मिथ्या नहीं आउ जहाँ लिखी 600 वर्ष पूर्वर अच्युत महापुरुष आज गोटे पर गोटे सत्य होली मालिका प्रति आम आदृति बढ़ुची भल पाइबा बढ़ुची आदरता बढ़ुची कहीं मालिका ही सत्य ए सुधी सज्जन ए कथा को जाइफुल मालिकार महापुरुष लिखिंट आउ कौन हम कलीजुगर महापुरुष लिखुं मन दे शुणे स्त्री को हत्या करिवे पर स्त्री संगे घर करिवे लो जाई फूल माई भण जाकु जे हरिवे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष जाइफुल मालिकार कहते स्त्री को हत्या करिवे कलीजुगर पापग्रस्त लोक क्रोधवश हो स्त्री को हत्या करिवे आउ कौन हम ना पर स्त्री संगे घर करिवे पर नारी प्रति दुर्बलता एत मनीषर बढ़ जीव घरे पत्नी थाई मध्य पर स्त्री हरण करिवे पर स्त्री पाखक लुचि छपिकी जीवे हे सुधी सज्जन पर स्त्री संगे घर करिवे अच्युत महापुरुष कहते विवाह करिथिबे प्रेम विवाह किंतु से प्रेम जमती किछि दिन विवाह पर अपसरी गलानी सरी गलानी पुणी पर स्त्री खोजा चलिबो कामुक पुरुष बोली तांको कुआ जा सेमानकर स्वभावत सेमाने पर नारी प्रति तांकर आसक्ति बढ़ी जीव आउ से नारी मानंकु भी मानिबा को पड़िबो जे निज स्वामी थाई हे सुधी सज्जन पर पुरुष रे मति बळेबे जहाँ को आम पूर्वर आलोचना कर छोट छोट छुआ थिबे किंतु देखला बेलू पर पुरुष रे मत दब स्वामी रे सेमाने भी संतुष्ट नथिबे अच्युत महापुरुष कहिले पर स्त्री संगे घर करिबे लो जाई फूल माई भण जाकु जे हरिबे माई भण जाकु मध्य हरण करिबो किछि दिन पूर्वर आपण माने देखिथिले भणजा जिद धरुचे माई को विवाह करिबा पई माई कहुचे मो मामू पाखे रही पारिबेने भणजा संगरे जीवी जहाँ को शुणिले पाटीरु छी छी बारे से कथा घटिबा महापुरुष जहाँ लिखिथिले ता सत्य महापुरुष कहिले बाबूरे माई भणजार प्रीति हेबा सहित पर स्त्री सहित पुरुष माने प्रीति करिबा स्त्री को हत्या करिवे निज स्त्री को हत्या करि पर स्त्री सहित प्रीति करिवे आउ एहा जोगु मध्य कलीर आयुष कमी कमी जीव पाप भारा जोगु कमी जीव हे सुधी सज्जन लोके होइबे खळबळ नाशिव भुवन मंडल तेणु होइबे अल्पायुष पापे सकल जीवनाश पाप जोगु ही आयुष सरी जाए जिमिति मनीषर आयुष पाप जोगु सरी जाए सेमिति मध्य ये कलीजुगर आयुष सरी जाए क्यों क्यों पाप जोगु से कथा टिके आलोचना करिबा महापुरुष कौन कहउचंती एकादश वर्ष जंतु बधे क्षय नीच पीरति द्वादश बौल लोन विधवा कामिनी हरणे तुटि बजाण चौबीस सहस जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहली एकादश वर्ष जंतु बध्यक्ष निरीह जंतु मान को हत्या करवा हेतु एकादश वर्ष कटि जाए षष वर्ष कटि जाए हे सुधी सज्जन नीच पीरति द्वादश नीच लोक सहित प्रीति कले कभी श्रेष्ठ कूल ब्राह्मण कूल आम ब्राह्मण हेले देख ला ग्रहण शूद्र ग्रहण करेंगे शूद्राणी ग्रहण करेंगे आर फलस्वरूप आयुष कलीर शेष हम आनी कहते विधवा कामिनी हरणे तुटब विधवा नारी को हरण करे आई जान चबीश सहस वर्ष विधवा नारी को हरण कले चबीस हजार वर्ष कौन कै ना कलीर आयुष तुटिज महापुरुष अच्युत कहते हे सुधी सज्जन कलीर आयुष आस्ते आस्ते क्षय हो चली पाप जोग बोली महापुरुष अच्युत कहते आम्भे जाणीशुणि पाप करुचे आपर फलस्वरूप भोगुचे खाली जे आम भोगुचे ता नुह पृथ्वी धरा तापर भार जो कि भाव में तार आयुष क्षय होमें से कथा वर्णना करुचे अच्युत महापुरुष कहते घरे घरे दियो अपूजा रही बपूजा न करिबे केही बौल लोहुजा न करिबे केही काठ पाषाण रे दुग्ध ढाळुथिबे कथाटी कहिबे से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले घरे घरे दियो अपूजा रही पूजा न करिबे केही आगुरी आम आलोचना करूले भक्त बंधु घर रे जो माने थिबे से मानको जदि पूजा कथा कहिबो से माने नाक टेकिबे मोर काम नहीं तू टे करदे ठाकुर बासन फूल तोलिबा यह हूँ आम संस्कार पिला मानको सिखेबा आमे आजिकल पिला तो आठटा दसटा उठिबे आ फूल किए तोलिब ठाकुर बासन माजिबे संध्या बेले हेले गाँ पाख मंदिर टिके पिला मानको कहिबे टिके घंट बजेबा किंतु ये संस्कार दबा आम भूली गले एवं तो अंडापाई आम मैने स्कूल को पठाऊे किंतु से दिन आम संस्कार पाने शिखे बदली जावा आम सबकि जो दिन अंडापाई नुहे बरम धंडापाई मंदिर को पठेबा हे सुधे सज्जन पाने से दिन संस्कार शिखे जा मो बापा मंदिर को पठाऊँ आने शाकाहारी हे आस्ते आस्ते हे कि आम तुम बेस ये संसार भितरे कर्मरे लिप्त कर दूचे कुकर्म कुकर्म कौन कर जो जहाँ को बेसी गाँ गहली लोक कहते मुह बड़ा कहे पा मान मुह बड़ा कहते शेष अवस्था जो आस पा मानव ना सेत बड़क कहती नेड़ी गुड़ कौन कि बोगला पा जो आ बुझे सेत बड़े बुझे कौन हम पुराण जगत धुंदुली आत्मदेव जो भाव में आत्महत्या कथा आप जानते पिला असंस्कारी होगा जो से घटना घटव तेणु बेल हूँ संस्कार दबार आवश्यकता अच्छे खाली अंडापाई नुहे धंडापाई पठात प्रभु पाखे हे सुधी सज्जन महापुरुष अच्युत कहले घर दिह मान अपूजा होबे पूजा न करे कहीं ठाकुर पूजा करने को कुंठाबोध हे महापुरुष अच्युत आपरे शिष्य रामदास कहते यह पाप बढ़ जो दियो पूजा पाइबन सेठे पाप बढ़ आई पाप जो कलीर आयुष क्षय हम आठ पाषण से दुग्ध डालु थे किंतु प्रकृत देवता पिता माता कई पूजा करे ना आहुटीए शाशु शशुर सेवा करवा दूर कथा सम्मान दवा दूर कथा आदर भी करना हे सुधी सज्जन यही घटना घटव एक आम कौन भविष्य मालिकार महापुरुष अच्युत पुनश्च कही एमती समय आसो जो समय भितर कूलर नारी ठाकुर घरे संध्या देवाई कुंठाबोध कर कौन से पद महापुरुष अच्युत कही बड़े सुंदर भाव में कौन कहले अच्युत कहले कूल स्त्री माने कुंठित होइबे देवा कुजे संध्या दीप बौल लो कुजे संध्या दीप घर दियो मान पूजा रहिब कळी रे बढ़िब पाप जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले एमती समय आस कूल स्त्री मैंने कुंठित तो होबे देवा को जे संध्या दीप ए मोर किए आ लुगा बदलू म नारी मैंने यही कथा कह सेमती टे धूपकाटी देदेले गला कम सरला
कुलस्त्री माने कुंठित होइबे देबाकु जे संध्या दीप मोबाइल रे घंटा घंटा टीवी रे घंटा घंटा किंतु ठाकुरंग कर्मटी भागवत पढ़ुन ता देहरे ना छोटिया कथा टे मन पड़ी जाए सप्तमंगला दिन शाशु टे खाली कहला बोहू सत्य कथा टे माँ टे भागवत पढ़ुन मुझे शुणती बुढ़ी लोक सांगे सांगे बहुत बाप घर लोक फोन कला कह बापा मत कौन पर पठे तेल कौन ये आस भागवत पढ़ी से बुढ़ी कौन मत एम कहला सांगे सांगे बापा आसी पहुँचीगला कहला समुदुणी आमर तो ये कंडीशन ही नाला जे तुमक आसी मो झी भागवत शुणब तुम्हें ये कौन कल मो झी तार भी खावा पीवा बयस जिते चिकेन मटन जिते खाईपर अंडा रोल खाइब सी कौन बस सन्द्या भागवत तुम शुणब बुढ़ी आखिर लुह गड़ी पड़ा धन्य संसार श्रीमत भागवत प्रभुंर ये दिव्य कथा को शुणवा तो दूर कथा कुलस्त्री मैंने कुंठित तो होबे देवाकू जे संध्या दीप बुढ़ी विचार कला धन्य रे संसार धन्य तार शिक्षा झी ग्राजुएसन कर ग्राजुएसन शिक्षा सहित तो जो संस्कार ना से कौन तेणु जाइफुल मालिका तार प्रकृत उद्देश्य कौन आपण मान भितर संस्कार भरी जाऊ अच्युत उद्देश्य महापुरुष अच्युत पंच सखा मान उद्देश्य या मालिका आपण मान भितर संस्कार भरी दिए केवल बन्या बात्यार कथा नुहे विभीषिकार कथा नुहे भविष्यवाणी मालिका जे बाबूरे यहीगुड़िक घटना घटव बेल आगरु बंध बांध ए सुधी सज्जन नदी बढ़ुची आउ से बेलू बाली बस्ता बापा रुक तेणु बेल आगर नदी बंध सैज करने को पड़ पा आसा पूर्व से मालिका आगुरी सतर्क सूचना तेणु कहीं कथा कह कुलस्त्री मैंने कुंठित तो होबे देवाकू जे संध्या दीप घर दि मान अपूजा रे कली बढ़ पाप तेणु घर दि मान अपूजा हो जाए आली पाप बढ़ा हेतु ए सुधी सज्जन कलीर आयुष सरीज आ महापुरुष कहते गोदंडा चषिले चालीस शस वर्ष कटिजा सहित तो बाल हत्यार छोट छुआ को हत्या कले आपणकर शस वर्ष कटा सहित तो सात वर्ष कटिज महापुरुष कहते ये भाव में 432,000 वर्ष कलीर क्षय हम आंभ मान पाप जो ए सुधी सज्जन से मालिकार सृष्टि आपन टे पुण्यकर्म करतु पापठ दूरे रुहतु कली युगरे मनीषर पाप जो कलीर आयुष सरी युग आेणु कलीर आयुष जोबले सरी सरी जातबले आमे मध्य पापकर्म रु दूर रहा कथा किंतु आमे पाप कर चलीचे ए सुधी सज्जन मनीष पुण्य करे देखे देखे आप करे लुचे लुचे आ फल पाताल फुटे किप बाहर ए सुधी सज्जन मनीष को भोगवाक पड़ो आ महापुरुष कौन कहते जाइफुल मालिकारे ज्ञानी माने मध्यम बाट पड़ा होइजिबे आ कौन कहले महापुरुष जाई फुला मालिका कहले ज्ञान हरा सर्वे हेबे ज्ञान हरा सर्वे हेबे ज्ञान हरा सर्वे हेबे ज्ञान हरा सर्वे हेबे अज्ञान भाव रे कर्म करिवे लो जाई फुल से बहु हिनी मान हेबे से बहु हिनी मान हेबे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत जाइफुल मालिकारे कहते बाबूरे शिष्य रामदास को कहते कली युगरे मनीष ज्ञान हरा हे आ्ञान क्या भितर नेले बेले लोक मैंने कह ज्ञान शून्य हो गल ये बुद्धि न ये कर्म करुचु लास्ट को मनीष ज्ञान शून्य हो आओ अज्ञान भाव रे कर्म करिवे अज्ञान भाव रे कर्म जेकोनसे कर्म अज्ञान भाव रे ज्ञानी माने सब देखि मुख पालटि जिवे आओ अज्ञान भाव रे कर्म करिवे आज देखंतु मंदिर रो पूजा पद्धति भितरे अज्ञान भाव रे कर्म करूथिबे जणे केही जदि वैदिक ब्राह्मण आसी बारिला ए तू कोन जानिछु आमठु बेसी जानिछु अमक पंडित सिया करथला सम पंडित मु सबटु बेसी भलो जानिछु ए सुधी सज्जन परस्पर भितर ये हिंसावाद बही अज्ञान भाव कर्म करे आेष से अवस्था कौन हम शेष बहु हिनी मान हेबे बहुत हिनी मान हेबे महापुरुष कहते अवस्था बहुत खराब जो मैंने अज्ञान भाव
ज्ञानी मानकर कथा सुनते ना आ महापुरुष कहते संसारे सबू मिथ्या ही पारे मो मालिका के मिथ्या हम एक आम कौन भक्त बंधु मालिकार महापुरुष निजे कही कहे पूर्व भानु जे बे पश्चिमे हेब अचुति मालिका मिथ्या नहिबो गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद अच्युति वचन पथर गार तोते कहिली रे ब्रज कुमार गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले पूर्व भानु जेबे पश्चिमे हेबो अच्युति मालिका मिथ्या नहिबो पूर्वरे उदय होता सूर्य पश्चिम उदय हो पारती किंतु अच्युत वचन केवे मिथ्या नुहे मालिका केवे मिथ्या नुहे भक्तबंधु आउ पुणी कहते शिष्य रामदास को अच्युति वचन पत्थर गार आउ तुते कहली रे ब्रज कुमार मो वचन हूँ पत्थर गार पाषाण गार हे सुधी सज्जन महापुरुष बड़ सुंदर भाव कहते जे कलिजुगरे एभली समय आसीबो आउ जो समय भितरे मनीष नानादि प्रकार पापकर्म करिबो आउ जो माने संसार ज्ञानी बोलाइबे से माने कौन करिबे निजर मातृभाषा को भूली जिबे भगवत प्रेम को भूली जिबे पिता मातांकर थारु जो आशीर्वाद मिले तांकर सेवा भूली जिबे सेवा बळरे आउ महापुरुष कहउचंती जे बिलाती शब्द व्यवहार बिलाती शब्द व्यवहार बिलाती शब्द व्यवहार बिलाती शब्द व्यवहार सप्त अक्षर रे जे कारबार लो जाई फूल मातृभाषा को करिबे दूर मातृभाषा को करिबे दूर मातृभाषा को करिबे दूर मातृभाषा को करिबे दूर बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले बिलाती शब्द व्यवहार बिलाती शब्द कहले जहाँ को आम मैंने कहे इंग्लीश देखु महापुरुष अच्युत कहते जा फूल मालिका सब मनीष आज ज्ञानी बोलाइबे इंग्लीश शब्द माध्यम कहे ए भारी बढ़िया इंग्लीश कहे महाज्ञानी लोकटा बहुत शिक्षा देखला बड़क कार्य संपूर्ण रूपे भूल हे सुधी सज्जन आड़े बेले आम इंग्लीश शब्द यह जगार भी प्रयोग कर ज्ञानी देखेबू रिक्सावाला टी रिक्सा चला धरे कलेज जीवा झीटी भारी पाठुआ देखेबो गो फास्ट गो फास्ट गो फास्ट आरे सी जदि इंग्लीश शब्द बुझी था सी कहीं रिक्सा टाणी था हे सुधी सज्जन आम से जगार इंग्लीश को प्रयोग कर भावु भारी आम ज्ञानी कि महापुरुष कहते सप्त अक्षर जे कारबार सतट अक्षर रे कारबार कण यार तत्व आप देखना इ एन जी एल आई एस एच केते हबो इंग्लीश सप्त अक्षर जे कारबार आउ मातृभाषा को करिवे दूर ओडिया कहवा भूली जिवे आउ सात अक्षर कारबार चलो चारिआड़े जहाँ लिखिते महापुरुष बुझिले केते सरल देखत ये अल्प दिन हबो भुवनेश्वर जड़े पिला को पचारी कहली बापा आमर ओडिशार केते जिला अच्छा सी कहला जिला कौन मु जानने जिला कौन डिस्ट्रिक्ट कहला को सांगे सांग कहला जिला बुझे आए सुधी सज्जन पचारे कहे बापा चाउल कौतर बाहर से धान कही पारे एत इंग्लीश मीडियम आम पढ़े संस्कार से कहे पकेट रू बास्तार चाउल कौट बाहर पिला जापार ना महापुरुष कहते ये सप्त अक्षर कारबार आगत भविष्य अच्युत महापुरुष जापल मालिकार कौन सूचना दौरान से कथा आम मैंने आलोचना करवा समय आपण मान पाखर विदाय नवा दुई बार नाम संकीर्तन करणी को विश्राम देवा परवर्त अध्याय जापल मालिकार से पद को नहीं आपण मानते अति सुंदर आलोचना करवा महापुरुष से जापल मालिका को ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।